हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, हम आज 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 25 लेके आए हैं। दोस्तों, लेक्चर 25 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज का 16 और एक्सरसाइज का 17, दो डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जिन बच्चों को पता चल रहा है वो बच्चे वीडियो पॉज करके अपने आप से कर सकते हैं, और वीडियो में कहीं की जरूरत पड़े मेरी तो देख वीडियो, अदरवाइज दोस्त वीडियो ज़्यादा वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा होशियार नहीं हो जाएगा, तो करना तो अपने आप पड़ेगा, करना तो अपने आप पड़ेगा। ठीक है, चल आ जा, मदद ले ले तू मेरी, पर पूरा डिपेंडेंट मत रहे। चल, हाँ, लेक्चर 20 देख ले, सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज का 16। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन ईच हैव अ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। ओके, नॉट एन इश्यू। इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का दोनों का वेवलेंथ कितना है? 1 नैनोमीटर। ठीक है सर, लिख रहा हूँ, काम में आएगा। फाइंड आउट देयर मोमेंटा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड कीजिए और फोटोन का मोमेंटम फाइंड कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों क्या है, चलो ऑप्शन ए चालू कर देते हम। एज वी नो दैट लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, ध्यान से सुनना, तो मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एच बाई लेमड़ा। अब दोस्तों एच तो कॉन्स्टेंट है, और ये लेमड़ा में इलेक्ट्रॉन की बात करूँ या प्रोटॉन सॉरी फोटोन की बात करूँ, सेम ही है। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच बाई लेमड़ा। लेमड़ा कोई भी रखो, सेम सेम आंसर आने वाले हैं। -34 लेमड़ा है 1 × 10⁻⁹। समझ में आ रहा है बेटा? तो फोटोन का या इलेक्ट्रॉन का दोनों का मोमेंटम कितना है? 6.62 पाई, ये गया 10⁻²⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना स्मूथली हम काम कर रहे हैं दोस्तों, बोलो आराध्य क्लासेस इतना स्मूथली काम कर रहा है, और बहुत ही तगड़े लेवल वाले सम होते हैं दोस्तों ये, आप समझिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चल रहा है। फिर भी दोस्तों आपको लगभग गुजकैट और प्लस नीट के फंडा फोकस भी यहाँ से मिलेंगे, जो मेरे कॉन्सेप्ट थियरी के लेक्चर्स होते हैं उसमें। ठीक है, तब देखिएगा, आपको मजा आएगा। आराध्य क्लासेस का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत काम में आने वाले हैं। वहाँ पे केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, JEE, नीट, इवन इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियो होते हैं दोस्तों। यस, हाँ, 12वीं साइंस के जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट पूरे साल नहीं करते उनके लिए भी अच्छा है ना। आराध्य की एप्लीकेशन भी, आराध्य की एप्लीकेशन में भी इंग्लिश का पूरा कोर्स अवेलेबल है, और बहुत ही कुछ छोटी प्राइस है, 4999 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो इंग्लिश का भी खरीद सकते हैं। ठीक, चला जाए दोस्त, स्टार्ट करें। हवन करेंगे, चला जा। अब बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। सर बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, जब से ये चैप्टर चालू हुआ ना, चैप्टर का जब बचपन था, अब तो चैप्टर बड़ा भी हो गया और अब बस चैप्टर जाने वाला है, तो तब से मैं बोल रहा हूँ सर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमड़ा। हो, चलो भाई, लेमड़ो। 19.89 × 10⁻²⁷ जूल। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो वो आपकी इच्छा पे है। ठीक है, ये ई का मैंने जूल के लिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए शॉर्ट की बनाया था, याद हो आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1242 / λ कुछ था, है ना, × 10⁻²⁹, है ना, ऐसा कुछ ई के लिए मैंने बनाया था। अब नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कोई बच्चा डायरेक्ट ये सम देख रहा है तो उसको ही नहीं पता होगा मैं किस शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप इस हिसाब से ही जाना। ठीक है, चलो ठीक। E इज इक्वल्स टू 1.243 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है दोस्तों, ये क्लियर है ना, क्लियर हो रही है बातें, एकदम क्लियर है। चला जाओ दोस्तों, लास्ट सी वाला पोर्शन की बात करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बहुत बार देखा है दोस्तों। क्या देखा है? 1/2 mv², क्लियर है सर, 1/2 mv² ऊपर से याद है आपको, ऊपर m से मल्टीप्लाई किया तो नीचे m आ गया। ये mv क्या होता था? p इज इक्वल्स टू mv होता था, तो ये mv का स्क्वायर है, तो p² / 2m है। हाँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको पता चले कैसे है इसलिए मैंने लिखा है। भाई p कितना है? ये रहा सर,
6.625 × 10⁻²⁵ उसका स्क्वायर कर दीजिएगा आप, कैलकुलेटर आपके पास है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी आता है 2.4152 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, अब दोस्तों जूल में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देना है, तो आपका के आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये सम ऐसा कैसा, एक सम मैंने लेक्चर 20 में करवाया था, तो उसमें भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चों, चलिए अभी एक्सरसाइज का 17। ठीक है, चल, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी, फॉर विच वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी दिस। एक ऐसा न्यूट्रॉन है, उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा कि उसका वेवलेंथ इतना हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो, किस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के लिए लैम्ब्डा इतना मिलेगा, किसका, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अरे सर, ये अपनी बातें हो चुकी है, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2 mk, एच कर सकते हैं, लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2 mk लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, के फाइंड करना है तो एच स्क्वायर अपॉन 2 m लैम्ब्डा स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है, ओके दोस्तों, आप आराम से वैल्यू रख सकते हो। एच है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.67 × 10⁻²⁷, और लैम्ब्डा है आपके पास ये, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा 6.686 × 10⁻²⁰ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो आप आराम से नीचे क्या करोगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करोगे, तो आपको ये मिलेगा ढैन टैन 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 देवियो सजनो जुप, है ना। ठीक है, यहाँ तो 0.04174 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, 10⁻², ना उसको सेटल कर देना। ठीक 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 ठीक, ओके दोस्तों, जो ऑप्शन बी है ये मोस्ट IMP ऑप्शन है, ये कुछ बार क्या होता है एग्जाम यही डायरेक्ट पूछते हैं, हाँ ये वाला ऑप्शन ना पूछ के सीधा यही पूछते हैं। तो चलिए, ऑल्सो फाइंड दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है कब, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर, मैटर का थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो, 3/2 kT मतलब KBT है ना, हाँ वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K, इट टेम्परेचर 300 केल्विन। दोस्तों मुझे कुछ नहीं दिखता है, जब ये T दिखता है और लैम्ब्डा दिखता है तब मुझे कुछ नहीं दिखता है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं जी कौन जानना चाह करता है, मुझे यही दिखता है दोस्तों, 3 mkBT बोल, डन है। एच का वैल्यू है आपके पास, जुब 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 जुब, एम का वैल्यू है आपके पास, सर नहीं है एम का वैल्यू, अरे भाई न्यूट्रॉन का मास बोल रहे हैं यार, 1.67 × 10⁻²⁷ बोल्ट्जमैन जुपाक, और 300 केल्विन है टेम्परेचर। ठीक है, तो आसानी से आप लैम्ब्डा फाइंड कर पाओगे, अंदाजित मेरा अंदाजा है कि 0.146 नैनोमीटर दोस्तों। मैं फिर से कहूँगा सारे बच्चों को कि प्लीज़ ये लास्ट तक आंसर जरूर लाए, अपने आप से कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला तो आप रख लोगे, कैलकुलेशन में आंसर नहीं आया तो क्या करेगा, तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।